नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम न्यूज रूम से मैं हूं निधि आपके साथ, और हर बार की तरह इस बार भी चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश की हलचलों की। तो सबसे पहले चलते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, झाबुआ विधानसभा उपचुनाव जो इस वक्त भी सुर्खियों में बने हुए हैं, इसे लेकर राजनीतिक हलचल अब तेज हो चुकी है। तैयारियां दोनों पार्टियों की तरफ से अपनी ओर से जारी है, लेकिन फिर भी बयानबाजी का दौर यहां पर चल पड़ा है और एक बार फिर अपने बयानों को लेकर नेता चर्चाओं में बने हुए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि दोनों ही पार्टियों की ओर से उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। कांग्रेस की तरफ से कांतिलाल भूरिया का नाम सामने आया है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से युवा नेतृत्व भानु भूरिया का नाम मैदान में उतारा गया है। और इसी कल ही की तारीख में जब नामांकन दाखिल किया जा रहा था, इसे लेकर कई तरह के कार्यक्रम भी चल रहे हैं झाबुआ में, और इसी कार्यक्रम के दौरान भानु भूरिया के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे थे वरिष्ठ नेता गोपाल भार्गव। गोपाल भार्गव जब प्रचार प्रसार के दौरान ही उन्होंने एक ऐसा बयान दे डाला जिसकी वजह से वे मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे गोपाल भार्गव का बयान, उन्होंने इस चुनाव को भारत पाकिस्तान की लड़ाई करार दे दिया। यहाँ कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस की ओर इशारा करके कांग्रेस को पाकिस्तान यहाँ पर कहा जा रहा है, और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं को पाकिस्तान समर्थक यानी कांतिलाल भूरिया पर निशाना साधा गया और उन्हें पाकिस्तानी समर्थक कहा गया, जिसे लेकर कांग्रेस खासी नाराज है। अपना विरोध कांग्रेस के नेताओं ने दर्ज कराया है। इतना ही नहीं, अपनी शिकायत लेकर कांग्रेस चुनाव आयोग तक पहुंच चुकी है और वहां पर अपनी शिकायत दर्ज कराई गई है। गोपाल भार्गव का एक बयान यहाँ पर बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर गया। दूसरी तरफ कांग्रेस के पलटवार भी अपनी जगह सामने आने लगे हैं। गोपाल भार्गव के बयान पर कांग्रेस की ओर से लगातार पलटवार हो रहे हैं। सबसे बड़ा बयान सीएम कमलनाथ की तरफ से, कमलनाथ ने गोपाल भार्गव के इस बयान को सिर्फ मनोरंजन करार दिया। उनका कहना है कि इस तरह के बयान जो है सिर्फ एक मनोरंजन का माध्यम है। और दूसरी तरफ पीसी शर्मा का भी बयान सामने आया है और उन्होंने इस गोपाल भार्गव के इस बयान को पूरे आदिवासी समुदाय का अपमान कहा। झाबुआ की जहाँ तक बात है, आदिवासी बाहुल्य इलाका है जहाँ पर ये माना जा रहा है कि आदिवासी वोट बैंक जिसने साध लिया जीत उसी की पक्की है, लेकिन ऐसे में गोपाल भार्गव का ये बयान कांग्रेस को यहाँ पर एक मौका दे गया जहाँ पर बीजेपी अब घिरती नज़र आ रही है। मुश्किलें यहाँ पर बीजेपी की बढ़ गई है। ऐसे में हमेशा से कहा जाता है, पार्टी हाईकमान हमेशा यह नसीहत देती है कि किसी भी तरह की बयानबाजी से बचा जाए, लेकिन चुनाव के ठीक पहले इस तरह के बयान सामने आना पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए ही कहीं ना कहीं मुसीबत बन सकता है। चलिए बात करेंगे दूसरी ओर हनी ट्रैप मामले की। हनी ट्रैप में फिर नए अपडेट्स हमारे पास आए हैं। आपको सबसे पहले आरोपियों की ओर से अपडेट देना चाहेंगे। आरोपियों, पांचों महिला आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। इंदौर में ये कार्रवाई की गई। सबसे पहले एमवाई अस्पताल में मेडिकल जांच की गई, आरोपियों की मेडिकल जांच हुई, उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया जहां से उन्हें 14 अक्टूबर तक के लिए जेल भेज दिया गया है। पुलिस रिमांड 14 अक्टूबर तक यहां पर बढ़ा दी गई है। दूसरी ओर कोर्ट में पेश होते वक्त आरोपी श्वेता के हाथ पर चोट के निशान पाए गए, जिसे वकीलों ने मुद्दा बनाते हुए कहा है कि SIT की टीम आरोपियों को टॉर्चर कर रही है। अभी तक आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, उसके पहले ही आरोपी से बुरा बर्ताव किया जा रहा है, जेल में उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है और एक तरह का दबाव यहां पर बनाया जा रहा है उन पर आरोपों को कबूल करने के लिए। कुल मिलाकर पुलिस की कार्रवाई अभी भी जारी है। यहाँ पर सीएम कमलनाथ का एक बड़ा बयान भी चर्चाओं में बना हुआ है। हनी ट्रैप मामले की जांच यहाँ पर चल रही है, लेकिन प्रदेश सरकार इसमें घिरती हुई नज़र आ रही है। वहीं पर सीएम कमलनाथ का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ATS जो इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है, ATS की ज़रूरत यहाँ पर क्यों पड़ी और किसकी अनुमति से 3 महीने से ATS जो है वो सर्विलेंस कर रही है, यहाँ पर पड़ताल ATS की तरफ से क्यों जारी है। ATS यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जिसे कहा जाता है। तो सीएम कमलनाथ का कहना है कि हनी ट्रैप जैसा मामला कोई आतंकवादी गतिविधि नहीं है, ऐसे में ये पूरी पड़ताल ATS क्यों कर रही है। अब इस बयान को लेकर भी यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब पड़ताल चल रही है, हर तरफ से दबाव आ रहा है कि हनी ट्रैप मामले में खुलासे होने चाहिए, आरोपियों को सज़ा मिलनी चाहिए, जो भी इसमें शामिल थे उनके नाम यहाँ पर सामने आने चाहिए, लेकिन ऐसे में
अभी भी कोई नाम तो सामने आए नहीं है, ऊपर से एटीएस पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो कई तरह की अपडेट्स यहाँ पर हनी ट्रैप मामले में अभी भी लगातार सामने आ रही हैं। दूसरी ओर बात करेंगे अब इंदौर की। इंदौर में कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी ने राव रंगवासा में पटवारियों और राजस्व अमले के अधिकारियों को नसीहत दी है। नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि जनता का सेवक बनकर काम करना चाहिए। 90% अधिकारी अच्छा काम करते हैं, लेकिन 10% अधिकारी रिश्वत लेकर पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर देते हैं। यानी उनका कहना है कि ज़्यादातर अधिकारी ईमानदारी से अपना काम करते हैं, लेकिन कुछ अधिकारियों के गलत काम, रिश्वत मांगने जैसी बातें अगर सामने आती हैं तो पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो जाते हैं। ऐसे में पटवारी समुदाय जो है यहाँ पर नाराज़ हो गया और उन्होंने ये मांग की है कि अब जीतू पटवारी को इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन मामला यहाँ पर ही नहीं रुकता है, पटवारी समुदाय की तरफ से माफ़ी मांगने की बात पर फिर से जीतू पटवारी ने भी जवाब दिया है। उनका ये कहना है कि अगर मेरे माफ़ी मांगने से करप्शन कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है तो मैं एक बार नहीं 100 बार माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मेरा मकसद किसी को भी ठेस पहुंचाने का नहीं था। वो व्यवस्थाओं को लेकर बात कर रहे थे, व्यवस्थाओं को सुचारू बनाने की बात कर रहे थे, जनता की भलाई की बात कर रहे थे और वे यही चाहते हैं कि महकमा कोई भी हो, लेकिन यहाँ पर बात जनता की हो रही है, जनता का सेवक बनकर यहाँ पर काम किया जाए। और जब ज़्यादा से ज़्यादा अधिकारी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं तो सिर्फ कुछ नामी अधिकारियों के रिश्वत ले लेने से यहाँ पर पूरे व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में फिर भी यदि मेरे माफ़ी मांगने से करप्शन कम हो जाता है तो कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी इसके लिए भी तैयार है। खैर, कुल मिलाकर ये मामला भी अभी चर्चाओं में बना हुआ है, हालांकि आगे क्या होता है ये भी अब देखने वाली बात होगी। अगली खबर इंदौर से ही आपको बताना चाहेंगे कि इंदौर तीसरी बार भी स्वच्छता के कंपटीशन में फर्स्ट आ चुका है। पूरे देश में नंबर 1 पर है इंदौर। ऐसे में कौन बनेगा करोड़पति के स्पेशल एपिसोड जो कि हर शनिवार को यहाँ पर प्रसारित होता है, कर्मवीर, इस एपिसोड के लिए इंदौर के निगमायुक्त आशीष सिंह को स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाया गया है। केबीसी का ये स्पेशल एपिसोड 2 अक्टूबर को रिलीज होगा। दरअसल स्वच्छता को लेकर ही यहाँ पर निगमायुक्त को बुलाया गया है। अमिताभ बच्चन जो कि इस शो के होस्ट हैं, उन्होंने स्वच्छता के मामले में पूरी तरह से आशीष जी से चर्चा की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर कौन सा ऐसा सिस्टम है इंदौर में जिससे कि वो स्वच्छता पर नंबर 1 3 सालों से लगातार बना हुआ है। आपको ये बताना चाहेंगे कि 2 अक्टूबर को ही पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी और 2 अक्टूबर को ही इस एपिसोड का टेलीकास्ट होने वाला है। आप भी ज़रूर देखिए कि किस तरह से इंदौर 3 साल से, किस सिस्टम के ज़रिए इंदौर 3 साल से स्वच्छता में नंबर 1 आ रहा है। अब बात करेंगे कि मध्य प्रदेश की जनता के लिए एक छोटी सी खुशखबरी यहाँ पर है। बात अगर करें हम मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दामों की, तो उसे लेकर जनता काफ़ी परेशान थी। कई तरह के विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किए गए और अपना विरोध दर्ज कराया है जनता ने भी और पार्टियों ने भी, लेकिन अब जाकर शायद प्रदेश सरकार इसे लेकर कुछ कदम यहाँ पर उठाने जा रही है। पेट्रोल मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो पूरे देश में सिर्फ मध्य प्रदेश में ही सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल बिक रहा है, जिसे लेकर लगातार जनता परेशान है और अब प्रदेश सरकार कुछ कदम उठाने जा रही है। वाणिज्यिक कर मंत्री ब्रजेंद्र सिंह राठौर ने अफसरों से रिपोर्ट मांगी है कि दाम बढ़ने के बाद से कुल खपत कितनी हुई है और सरकार की आमदनी कितनी हुई है। इस रिपोर्ट के आधार पर ये तय किया जाएगा और मंथन किया जाएगा कि अब पेट्रोल और डीजल के दामों को कहां तक रखा जाए। तो यहां पर उम्मीद की जा रही है कि पेट्रोल और डीजल के दामों में शायद कुछ कमी हो सकती है और अगर ऐसा होता है तो जनता को जरूर इससे खुशी मिलेगी। तो ये थी मध्य प्रदेश की कुछ खास सुर्खियां। अगली बार फिर हाजिर होंगे कुछ नई हलचलों के साथ। लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एमपी न्यूज। धन्यवाद। खबरों की कतार लगातार, एमपी से जुड़ी हर खास खबर आपके मोबाइल पर आपके वक्त पर। एमपी न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।